नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम आज आपके लिए CNC राउटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा है, आजकल 3D कार्विंग की काफ़ी डिमांड हो रही है और काफ़ी जगह हाथों से काम होता है, तो उसको अब हाई क्वालिटी में करने के लिए CNC राउटर मार्केट में आपको पता है आए हुए हैं। तो हम आज आपको सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे भी, वो किस प्रकार के काम करते हैं, किस रेट में मिलते हैं, किस मटेरियल पे काम होता है, और ये सब कुछ आपको डिटेल हम पूरी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो स्किप मत करना, हम आपको इसमें आखिर में रेट भी बताएंगे भी क्या प्राइस का है। तो CNC रोटर में बहुत तरह की क्वालिटी आती है, स्टेपर मोटर आती है, सर्वो मोटर आती है और हाइब्रिड सर्वो मोटर भी आती हैं, इससे ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन इंडिया में जो चलती हैं वो ज़्यादातर सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर दो प्रकार के चलती हैं। अगर तो आपको जाली वगैरह का ज़्यादा काम है, 2D का और 3D का काम है, तो आप स्टेपर मोटर में आप ले सकते हो। स्टेपर मोटर की ES मॉडल आता है, 1325 ES मॉडल आता है, ये वाटर कूल और स्पेंडल कूल में दोनों में आता है। तो 1325 ES मॉडल आप स्टेपर मोटर में ले सकते हैं। इससे ऊपर आ जाता है फिर 1325 A मॉडल, जो सर्वो क्वालिटी में आता है। आपको दूंगा दोस्तों, ये 1325 A मॉडल होता है जो कि वुडन के कार्विंग के काम में यूज़ होती है। जैसे इसकी कार्विंग होती है, ये देखिए, ये वुड में कार्विंग होती है, MDF में कार्विंग होती है। आप इसको वुड में, PVC में, अक्रैलिक में, MDF में, कोरियन शीट में, WPC शीट में इस पर काम कर सकते हो कार्विंग क्वालिटी में। और ये बहुत हाई क्वालिटी में मशीन बना है, देखिए, ये हैवी ड्यूटी मशीन है जिसमें आप वुडन में भी किसी भी प्रकार की, ये देखिए, बबूल की लकड़ी में हमने डिज़ाइन बना हुआ है, कोई भी लकड़ी में आप इसमें काम कर सकते हैं 3D में। तो हम आपको इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे, ये कैसे वर्क करता है और किस प्रकार ये वर्क करता है। दोस्तों ये मशीन जो हम लोग होती है, ये मेन होती है वुड के काम के लिए, तो जो मैंने आपको मटेरियल सभी बताया उसके लिए भी होती है। तो इसमें दो से जो स्पैंडल आता है वो दो क्वालिटी का आता है। आप इसमें वाटर कूल स्पैंडल, एयर कूल स्पैंडल ले सकते हैं। इसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसको 12 घंटे चलाने का जो बिजली का खर्च आता है वो 18 यूनिट आता है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है। और जो इसका टूल का, 3D करने का टूल का जो खर्चा आता है, जैसे ये होता है हम लोग करते हैं, तो ये जो टूल का खर्चा आता है आपका, मतलब कि एक टूल 250 रुपये का आता है, और तकरीबन आपका जो बेड होता है, बेड का खाट का आगे का और पीछे का होता है, वो 5 सेट तैयार कर देता है एक बिट्स। तो इसका कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो ये बिट्स भी मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है। KDR मॉडल, इसमें आप डबल हेड में देख सकते हैं, डबल हेड में मशीन है। अगर किसी भाई के पास काम ज़्यादा हो तो वो दो हेड में इसके ऊपर काम कर सकता है। ये भी वुड, PVC, MDF, अक्रैलिक, कोरियन शीट सभी पे मटेरियल पे काम करता है। ये एयर कूल्ड स्पैंडल के साथ आता है और आप इसमें 3 फेस, सिंगल फेस दोनों में आपको उपलब्ध है, दोनों में मिल जाएगा। हम आपको इसकी अब वर्किंग वीडियो दिखाते हैं। Thank you.
दोस्तों इस वीडियो में तो हमने आपको सारी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जो रियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी नेक्स्ट पार्ट्स में आती रहेंगी। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास तकरीबन 18 तरह के मॉडल है, तो हम स्टेप बाय स्टेप के हर मॉडल की आपको वीडियो, वर्किंग वीडियो हर मटेरियल पे आपको बना के इस यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमारी सारी वीडियो देखते रहिए। दोस्तों किसी को भी अगर इस वीडियो को नहीं समझ लगी हो या वो प्राइस के बारे में पूछना चाहता हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। CNC राउटर के जो प्राइस हैं वो 3 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक होते हैं। आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम लोग वैसा आपको CNC राउटर के प्राइस के बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएंगी वो वर्किंग की वीडियो आएंगी, वो पार्ट बाय पार्ट की वीडियो आएंगी। जैसे उसकी वुड की हम लोग आपको वीडियो बनाएंगे, मार्बल की वीडियो बनाएंगे, ग्रेनाइट की वीडियो बनाएंगे, एनी मटेरियल, एनी मॉडल, सभी मॉडल की, सभी तरह की वीडियो हम बना के अपलोड करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।